हम लोग फाइनली जलेबिया मोड़ से अपने आगे की ओर निकल चुके हैं। हम लोग अब जलेबिया घाटी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए यहाँ से जलेबिया घाटी शुरू हो जाता है, साथ में हम लोग धीरे धीरे जलेबिया घाटी का चढ़ाई करेंगे। उसके बाद आप लोग वीडियो में बने रहिए। हम लोग एकदम प्रेम पूर्वक भगवान का नाम लेते हुए, भोलेनाथ का नाम लेते हुए, नारा लगाते हुए हम लोग जलेबिया पर्वत का चढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग अंडरपास से होकर के गुजर रहे हैं। ऊपर में सड़क है जो कि हाईवे है, कटोरिया से सुल्तानगंज के लिए ये हाईवे जाती है, जो कि आगे जा कर के वो सीधा देवघर तक जाती है यह सड़क। अब जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। आगे में देख लीजिए आप लोग, यहाँ से खड़ी चढ़ाई स्टार्ट है और वन क्षेत्र भी यहाँ से प्रारंभ है। देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा वन क्षेत्र प्रारंभ। तो चलिए हम लोग यह खड़ी चढ़ाई को चढ़ते हैं और आगे वीडियो में आप सभी बने रहिए। यहाँ जलेबिया पर्वत की बहुत ही बहुत सुंदर नज़ारे हैं, अच्छे अच्छे। मैं आप सभी को उसे दिखाते हुए चलूँगा। बोल बम, ये देखिए जलेबिया पहाड़ का मनोरम दृश्य, कितना सुंदर नज़ारा है, हरा भरा, बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग देख लीजिए, यही है जलेबिया पहाड़, बहुत ही सुंदर और आकर्षक नज़ारा। तो चलिए हम लोग इसी तरह से सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को देखते हुए आगे कांवरिया पथ पर निरंतर चलते रहते हैं। पानी का आप सभी देख लीजिए कितना खड़ा चढ़ाई है सामने में, देखिए। और इतना खड़ा चढ़ाई में भी हम लोग के भक्तजन, बाबा भोले के भक्तजन निरंतर आगे कांवरिया पथ पर चढ़ते हुए, आप खुद सोच सकते हैं कि खाली पैर में इतना दूर से आने के बाद भी इतनी आसानी से सभी श्रद्धालु इसमें चढ़ाई चढ़ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की शक्ति अपरंपार है। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, भगवान बैजनाथ की, शंकर महादेव की, बोल बम। हम लोग भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हुए इस खड़ी चढ़ाई पर चढ़ाई कर रहे हैं। आप सभी देख लीजिए कितना खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। हम लोग के पीछे में देखिए कितना गहरा है। हम लोग चढ़ाई पूरा ख़त्म कर चुके हैं, अब आगे और भी कंटिन्यूस चढ़ाई है। चलिए इसी तरह से हम लोग भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेते हुए आगे चढ़ाई को जारी रखेंगे। लगातार खड़ी चढ़ाई चढ़ने के कारण थोड़ा सा अंदर में भी थकान महसूस हो रहा है, इसलिए आवाज़ में भी थोड़ा सा थकान का पता चल रहा होगा आप लोग को। तो चलिए इसी तरह से आप लोग भी बने रहिए। हम लोग बाबा बैद्यनाथ का नाम लेकर लगातार कांवरिया पथ पर चढ़ाई जारी रखेंगे, क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ जी हम सभी के साथ में हैं तो क्या इस छोटे से चढ़ाई से डरना है कि नहीं। तो भगवान भोलेनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की।
अब थोड़ा सा जो है वो ऊंचाई कम होते हुए इसके बाद एक पहाड़ हम लोग चढ़ चुके हैं। इसके बाद थोड़ा कुछ दूर तक ढलान है, उसके बाद पुनः पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आगे वीडियो में बने रहते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, बोलबम। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, प्राकृतिक जगह। देखिए इधर बहुत ही सुंदर नज़ारा है, इधर आप देख सकते हैं। हम लोग अभी अपने कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते कौवादह तक आ चुके हैं। हम लोग इसी तरह से निरंतर बाबा बैद्यनाथ का नाम लेते हुए, बोलबम का उच्चारण करते हुए कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते हुए, चलिए आप भी लगाइए मेरा साथ में बोलबम का नारा, बोलबम। ये देखिए चलते चलते मंकी डांस। पार्वती देवी का नाम कुछ, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद दे दो। जय भोलेनाथ दे दो कुछ उनके साथ। जय भोलेनाथ, हम वीडियो बना रहे हैं। ले लेने से नहीं होता है, कुछ दान भी करना चाहिए। अभी हम लोग टंकेश्वर पहुंच चुके हैं अपने कांवर पथ यात्रा में। देखिए यहाँ पर भी एक छोटी नदी है जो कि आगे जाकर में एक डैम से मिल जाती है, और इधर बायां तरफ हम लोग का हाईवे है जो कि देवघर की ओर जाती है। यही हाईवे जो हम लोग से आगे में जहां पर जलेबिया मोड़ था वहां से अलग हुई थी, और यहां टंकेश्वर पे आके यह हाईवे कांवर पथ से मिल रही है। तो चलिए हम लोग आगे कांवरिया पथ पर इसी तरह से बढ़ते हुए चलते हैं। हम लोग कांवर पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते टंकेश्वर पहुंच चुके हैं। जलेबी घाटी पार करके हम लोग टंकेश्वर तक आ चुके हैं। यहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है, आप देख सकते हैं। दाहिना तरफ में भी बेगूसराय निःशुल्क सेवा शिविर, इधर अंदर में कार्यक्रम चल रहा है सभी शिव भक्तों के लिए, उनका मनोरंजन किया जा रहा है ताकि उनका थकान दूर हो सके। हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। रोड के किनारे में इस तरह से मसाज की सुविधा भी उपलब्ध है, आप चाहें तो यहाँ पर आ करके आप मसाज करा सकते हैं अपना पैर का, ताकि आपका पैर को आराम मिल सके और आप आगे चलने के लिए तैयार हो सके। फाइनली मौसम अभी साफ हो गया है और हम लोग टंकेश्वर से आगे की ओर बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और थोड़ा बहुत देखिए पानी का मौसम भी कर रहा है, सुबह से बहुत तेज़ धूप था, अभी दिन के दोपहर के 3 बज रहे हैं और अभी मौसम जो है वो काफ़ी ठंडक और
हल्का बूंदाबांदी शुरू हो गई है। हम लोग इसी मौसम का लाभ उठाते हुए अपने कांवरिया पथ पर आगे की ओर चलते हुए, यह टंकेश्वर का अंडर ब्रिज है, भगवान भोलेनाथ का नारा लगाते हुए आगे की ओर चलते हुए। हम लोग धीरे धीरे करके सुइया पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर चुके हैं। आप आगे में देख रहे हैं कि कितना खड़ी चढ़ाई है। यहीं से जो सुइया पहाड़ है उसका चढ़ाई धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए, आप सभी वीडियो में बने रहिए। हम लोग इसी तरह से कांवरिया पथ पर निरंतर भोलेनाथ जी का नाम लेकर सुइया पहाड़ का चढ़ाई करते रहेंगे। आप सभी फिर से नारा लगाइए, बोल बम। हम लोग सुइया पहाड़ पर आगे की ओर चढ़ाई में आगे लगातार भोलेनाथ का नाम लेकर बढ़ते हुए, अभी यहां से देवघर 44 किलोमीटर है और शिवलोक 2 किलोमीटर है। हम लोग लगातार कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते हुए, हम लोग दिखा दीजिए, हाँ बोल बम बोल बोल बम, आइए इधर। हम लोग के साथ में और भी कांवरिया सब मिले हैं कांवरिया पथ पर। तो बताइए कांवरिया बम कैसा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है बम, बहुत अच्छा, काफी अच्छा महसूस हो रहा है इस पथ पर चलने के बाद। बहुत बढ़िया, हम सभी पर भगवान भोलेनाथ जी का, बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद है। तो उनका बस नाम लेने से, बोल बम बोलने से शरीर के अंदर में इतना एनर्जी आता है कि उसके आगे चाहे कोई पहाड़ रहे या खाई रहे, आराम से उसको उसका भक्त जो है वो पार कर जाता है। तो यही है भोलेनाथ जी की शक्ति और उन पर विश्वास। तो और एक बार बोलिए, बोल बम बोल बम। अभी हम लोग सुइया पहाड़ की चढ़ाई करते करते अभी हम लोग घुटिया सुइया में पहुंच चुके हैं। देखिए, हम लोग का राइट साइड में एक धर्मशाला है जिसका नाम है बेगूसराय धर्मशाला। आप अगर यहाँ पर चढ़ने में असमर्थ हैं या किसी प्रकार की आपको चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर कुछ देर के लिए बिल्कुल निःशुल्क आप आराम कर सकते हैं, उसके बाद पुनः आप यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम लोग जिस जगह पहुँचे हैं उसका नाम है घुटिया सुइया। तो चलिए, हम लोग अपना कांवर यात्रा को आगे जारी रखते हैं और इसी तरह से हम लोग बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर हम लोग आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, बोल बम। यहाँ आप दाहिना तरफ में देख सकते हैं रैन शेल्टर सुइया का है, यह बिल्कुल निशुल्क और फ्री है। आप यहाँ पर आकर स्टे कर सकते हैं, यहाँ सोने की भी सुविधा है, नहाने, बाथरूम, सभी तरह की सुविधाएं बिहार गवर्नमेंट की ओर से बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय पहल है। तो पुनः इन सभी सुविधाओं को देने के लिए हम सभी कांवरिया को बिहार सरकार का और एक बार आभार और धन्यवाद, बोल बम। सभी को मैं एक सूचना भी देता हूं कि कुछ वर्ष पहले जिलेबिया, जहां से जिलेबिया मोड़ शुरू होता है उसके बाद से ये रास्ता काफ़ी ख़राब रहता था, उबड़ खाबड़, और उस पर कोई मेंटेनेंस वगैरह कुछ नहीं किया जाता था। उबड़ खाबड़, गिट्टी, गुड़गुड़ ये सब और कांटा जैसा छोटे छोटे पत्थर भी रहते थे, जैसा मतलब आप पानी आया तो वो धोवा के कहीं गड्ढा कहीं कुछ भी ऐसे रहता था। लेकिन फ़िलहाल में पिछले कुछ वर्षों से इतनी अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर दी जा रही है बिहार सरकार की ओर से, और मैं पुनः एक बार बिहार गवर्नमेंट का, आप सभी पदाधिकारियों का जिनका भी इस नेक कार्य में योगदान है, आप सभी का मैं पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके नीतीश कुमार, विशेष करके बिहार के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका भी इतना अच्छा सुविधा हम सभी कांवरिया बंधुओं को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह से हम सभी कांवरिया बम का मदद करेंगे,
सुविधा प्रदान करके। तो चलिए हम लोग इसी तरह से सुइया पहाड़ की चढ़ाई पर और आगे कांवरिया पथ पर बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पुनः आप सभी को एक बार बोलबम। अभी हम लोग अपने कांवर पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते सुइया चढ़ाई की चढ़ाइयाँ चढ़ते चढ़ते हम लोग अभी निःशुल्क झाझा कैंप तक पहुँच चुके हैं। आप आगे में देख रहे हैं या झाझा कैंप का शिविर है, मुख्य शिविर, या बिल्कुल निःशुल्क है। आप यदि आराम करना चाहते हैं, कुछ देर रुकना चाहते हैं, तो आप यहाँ अंदर में आकर के रुक सकते हैं यहाँ पर, या बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। तो चलिए हम लोग आगे इसी तरह से बाबा का नाम लेकर के सुइया पहाड़ की चढ़ाई आगे जारी रखते हैं। कुछ अभी भी शरारती तत्व देखने को मिलते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है दूरी के लिए, उसको भी यहाँ पर मिटा दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए धार्मिक जगहों पर। यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाबा धाम की दूरी 39 किलोमीटर है, हम लोग लगातार कांवरिया पथ पर चलते हुए बाबा धाम की ओर। पुनः आप सभी को और एक बार बोलबम 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 बोलबम। हम लोग निरंतर सुइया पहाड़ की बोलबम 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 बोलबम। हम लोग लगातार सुइया पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हुए, हम लोगों के साथ में कांवरिया बंधु साथ में बोलबम का नारा लगाते हुए चल रहे हैं। देखिए कितना खड़ी चढ़ाई है, पर फिर भी बाबा के भक्त हार नहीं मान रहे हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग वीडियो पे आगे बने रहते हैं, बोलबम का नारा लगाते हुए। यह एकदम खड़ी चढ़ाई है सुइया पहाड़ की। देखिए यहाँ पर मन्नत के तौर पर यहाँ एक पत्थर के ऊपर में दूसरा पत्थर को रखा जाता है। अब इसका क्या मान्यता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, अब किन्हीं को पूछना पड़ेगा तो ही मालूम चलेगा। जैसे कि इधर एक बाबा बम है, उन्हें मैंने देखा कि वो यहाँ पत्थर है उसको आपस में जमा कर रहे हैं। अब उन्हीं से पूछते हैं कि इसका क्या मान्यता है। और यहाँ देखिए पूरा रास्ता भर सभी जगहों पर पत्थर लगाया हुआ है। बाबा बम, एक मिनट, आपसे बाबा बम हम जानना चाहेंगे कि आपको, हमने देखा कि आप इसमें पत्थर लगा रहे थे। मैं 21 साल से बाबा का कांवर टांग 21 साल से कांवर टांग रहा हूँ। अब मैं हर साल देखता हूँ कोई ना कोई बाबा का मन्नत पूरा करता रहता है, और बाबा सबका मन्नत पूरा करते हैं। हम 21 साल से आ रहे थे, मैं बाबा से कुछ कहा नहीं था। इस बार हमारा मन अचानक बना कि इस बार मैं भी कुछ बाबा से कहूँ। इस बार मेरा इच्छा 21 साल में पहली बार किया, मैंने वही किया। अच्छा। बोलबम बोलबम जय सिया राम। जैसा कि बाबा ने हमें बताया कि ये 21 साल से लगातार कांवर यात्रा पर आ रहे हैं बोलबम पर, तो इन्हें भी मालूम नहीं है कि क्यों यहाँ पर पत्थर लगाया जाता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ सामने में। तो मुझे तो इसका जवाब नहीं मिल पाया, जब वो बाबा खुद 21 साल से आ रहे हैं और उनको भी मालूम नहीं है। अब कोई अगर और जानकार व्यक्ति मिलते हैं रास्ते पे तो उनसे पूछने का कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग इस सुइया पहाड़ की चढ़ाई पर आगे की ओर बढ़ते हैं बाबा बैजनाथ का नाम लेकर। तो प्रेम से एक बार बोलिए बोलबम बोलबम बाबा बैजनाथ की जय। हर 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 महादेव।
देखिए कितना कष्ट और दिक्कत पार करके बाबा के भक्त, भोलेनाथ के भक्त यहाँ तक पहुँचते हैं और बाबा बैजनाथ के पास अपने गुहार और हाजिरी लेकर के जाते हैं, और जो भी इतना कष्ट सहकर बाबा तक पहुँचते हैं, भोलेनाथ जी बाबा बैजनाथ उनका अवश्य मन्नत को पूरी करते हैं। तो हम लोग कांवरिया पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते सुइया पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ से सुइया घाटी हम लोग चढ़ चुके हैं, अब उतर रहे हैं। इसके आगे जाकर फिर से चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई, कहीं पर चढ़ाई है कहीं पर ढलान है, तभी हम लोग उतर रहे हैं। यहाँ से अब रखा 3 किलोमीटर दूर है और देवघर 41 किलोमीटर 41 किलोमीटर दूर है। तो चलिए हम लोग इसी तरह से आगे इस वीडियो में बने रहते हैं। पुनः एक बार आप सभी को बोलबम। देखिए हाँ, ठीक अगर आप लोग सुइया पहाड़ का रास्ता पर आगे की ओर बढ़ते हैं तो आप सभी से निवेदन होगा कि यहाँ एक बच्ची जो है वो यहाँ पर अपने कर्तव्य और कला दिखा रही है, कृपया इसे सहयोग करते हुए आएँ। कुछ ना कुछ यहाँ पर आप इनकी मदद करते हुए आएँ, राशि के रूप में इन्हें सहयोग राशि आप कुछ ना कुछ ज़रूर देते हुए आएँ। तो चलिए पुनः एक बार आप सभी को बोलबम। जैसा कि अभी आप सभी ने देखा कि हम लोग पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, अब यहाँ पर से पुनः वापस ढलान शुरू हो जाती है। तो हम लोग धीरे धीरे करके इस सुइया पहाड़ की ढलान पर उतरना शुरू कर रहे हैं। जगह जगह पर किनारे किनारे में विश्रामालय बना हुआ है, सुविधाएं हैं। अगर आप थकान महसूस करते हैं तो यहाँ पर कुछ देर आप रुक करके और फिर अपनी यात्रा को आगे जारी रख सकते हैं। तो चलिए पुनः आप सभी को एक बार बोलबम, और हम लोग अपना यात्रा कांवर पथ पर आगे की ओर निरंतर जारी रखते हैं। देखिए हम लोग के बम जी यहाँ पर विश्राम करके अकेले अकेले हम लोग को छोड़ के, और मुखिया बम जी आ करके यहाँ जूस पी रहे हैं अकेले अकेले, ये बहुत गलत बात है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग आइए। देखिए यहाँ पर हम लोग को कुछ बाबा के भूत बम भी दिखाई दिए हैं, छोटे छोटे भूत बम। तो जय भोलेनाथ, बोल बम। इधर भी बहुत सारे भूत बम हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ भी एक बच्ची है जो कि इधर देखो भोलेनाथ का भक्त है, और देखिए हम लोग को देख के शर्मा रही है। इधर भी है दो तीन बच्ची, नहीं शर्मा रही है लग रहा है, वापस आ रही थी। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जगह जगह पे रास्ते पे बच्चे सब देखिए बैठे हुए हैं, ये सब भगवान भोलेनाथ का भक्त हैं और भूत का रूप लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू आगे वीडियो में बने रहते हैं। आप सभी को जो भी कुछ नया देखने के लिए मिलेगा मैं आप सभी लोगों को दिखाते हुए इसी तरह से आगे दिखाते रहूँगा। तो चलिए आगे पुनः हम लोग आगे मिल, देखिए और एक यहाँ पर हम लोग को भूत बम दिखाई दी है, देखिए भूत बम। चलिए आगे हम लोग इसी तरह से वीडियो पे बने रहते हैं। पुनः एक बार बोल बम, 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 बोल बम। अभी हम लोग सुइया पहाड़ की चढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं और अभी हम लोग लोहटनिया पहुंच गए हैं। यहाँ लोहटनिया से बाबा धाम की दूरी 37 किलोमीटर है और यहाँ से अब रखवा की दूरी 1 किलोमीटर है। तो चलिए हम लोग आगे इसी तरह से वीडियो में बने रहते हैं। आप सभी को पुनः एक बार बोलबम। रास्ता में चलते चलते हमें एक माता बम दिखाई दी हैं जो कि दंडवत
होकर भगवान भोलेनाथ बाबा वैद्यनाथ के द्वार पर आ रही है। मेरा भगवान भोलेनाथ जी से कामना होगा कि इन्हें शक्ति प्रदान करें, बाबा नगरिया पहुंचने में इनकी मदद करें। पुनः एक बार भगवान भोलेनाथ की जय हो, बोल बम। अभी देखिए यात्रा मार्ग में चलते चलते हमें और एक बम नज़र आए हैं, जो कि दंडवत बाबा नगरिया तक भगवान बैजनाथ जी को याद करते हुए अपने लंबाई अनुसार दंडवत प्रणाम करते करते और बाबा नगरिया पहुंचेंगे। भगवान बैजनाथ इनकी सहायता करें पहुंचने में। तो चलिए हम लोग भी इसी तरह से अपने मार्ग में, यात्रा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। हम लोग कुछ ही क्षण में अब रखवा पहुंचने वाले हैं। तो पुनः आप सभी को एक बार बोलबम। तो हम लोग बस कुछ ही क्षणों में अब रखवा पहुंचने वाले हैं। सामने में जो दिखाई दे रहा है ये अब रखवा है। तो चलिए हम लोग आगे में फटाफट अब रखवा पहुंचते हैं, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो गया है। देख रहे हैं आसमान में काफ़ी बादल है और पानी भी आना शुरू हो गया है। तो चलिए जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं अब रखवा पहुँचने की। हम लोग यात्रा मार्ग पर चलते हुए अब रखवा पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक निःशुल्क सेवा शिविर है। सेवा शिविर का नाम है बोलबम सेवा समिति दलसी सराय। जैसे ही आप यहाँ पर घुसते हैं तो यहाँ पर आपको चाय की सुविधा, साथ ही साथ फुट मसाज की सुविधा बिल्कुल निःशुल्क प्रदान की जा रही है। तो आप जैसे ही यहाँ आते हैं, आप अब रखवा पहुँचते हैं, तो आप सभी से निवेदन होगा, सभी कांवरियों से, कि एक बार ज़रूर यहाँ घुसिए, आराम कर लीजिए और इन्हें भी सेवा का मौका दीजिए। और अगर आपको स्वास्थ्य लाभ लेना है तो यहाँ पर आकर आप अपना मसाज करा सकते हैं। चाय शरबत की व्यवस्था यहाँ पर है। चलिए आइए हम लोग यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे कांवरिया बंधुओं को क्या क्या सेवाएँ दी जा रही हैं। मैनेजर से बात करना है, मैनेजर से। बस तो आइए यहाँ के मैनेजर से हम लोग बात करते हैं कि हम सभी कांवरियों को यहाँ पर क्या क्या सेवाएं प्रदान की जा रही है बोलबम सेवा समिति दलसी सराय के द्वारा। तो बोलबम बाबा जी, बाबा जी हम YouTube के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम सभी कांवरियों को क्या क्या आप सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ताकि अगर आगे आने वाले जो भी हमारे कांवरिया बंधु हैं वो यहाँ पर रुकेंगे और यहाँ लाभ लेकर के जाएंगे, तो आप माइक के माध्यम से आप सभी कांवरियों को बता दें कि आप यहाँ पर क्या क्या सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सामने मुंह के सामने रख लीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए ना, पूरा सटा। हाँ, बोलबम, ये बोलबम सेवा समिति दलसिंह सराय, प्रधान कार्यालय दलसिंह सराय, जिला समस्तीपुर है। बोलबम सेवा समिति पुरानी संस्था है, 48 साल इसको इस बार पूरा होगा। बोलबम सेवा समिति सबसे पहले बम बाबा को दवा मिश्रित गर्म पानी, फिर चाय, फिर शरबत, शिकंजी, सत्तू का घोल, मालिश, ठंडा पानी, पाँव में जलन है, लहर है तो लाल दवाई, दवा काउंटर है, जो भी दवा की आवश्यकता है सभी प्रकार की दवा यहाँ मिलते हैं बम को। ये जो निःशुल्क है, फ्री है, उसका कीमत है केवल बोलबम। एम्बुलेंस व्यवस्था है, ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वैसे पेशेंट के लिए सब कुछ सुविधा उपलब्ध है। नहीं तो हम लोग बाहर भेजते हैं, बांका भेजते हैं, देवघर भेजते हैं, कटोरिया भेजते हैं, इसलिए एम्बुलेंस रखना पड़ता है। उपलब्ध है और बम बाबा की दया से अभी तक चल रहा है। यहाँ निःशुल्क यहाँ लेट्रिन, स्नान घर भी सब निःशुल्क है। जो 105 लेट्रिन है बोलबम, नीचे ऊपर मिला करके उसमें भी हम लोगों का यहाँ कोई निःशुल्क है। हम सभी अभी कुछ देर के लिए अब रखवा में ही, माफ़ कीजिएगा, अब रखा में ही रुकेंगे। यहीं पर अभी खाना खा के कुछ क्षण विश्राम कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आगे कांवरिया पथ की ओर आगे बढ़ेंगे। हम लोग से बायां तरफ में जो सीधा रास्ता है
उसमें बिहार सरकार की ओर से मुफ्त स्टे शिविर लगाया गया है, सरकारी सेवा वहाँ है और उधर कार्यक्रम स्थल भी है जहाँ पर कि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और ये कांवरिया पथ है, इधर भी एक सेवा शिविर है जिसे सिवान धर्मशाला कहते हैं, एक धर्मशाला बना हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपना कांवर को रखते हैं, उसके बाद में हम लोग यहीं अभी स्टे करेंगे, उसके बाद आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो पुनः आप सभी एक बार मेरे इस माही यात्रा ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पुनः आप सभी को श्रावणी मेला 2023 की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। बोलबम।